समाज सेवा में अपना योगदान देना हो। एक समाज बढ़ चढ़कर हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है और वो है सिख समाज। हमारे सिख भाइयों ने समाज पर चाहे कोई विपदा आई हो या बड़ी जिम्मेदारी निभानी हो, अपना योगदान हमेशा दिया है। आज हम आए हैं राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में। यहाँ का भी अलग इतिहास है। सभी सुविधाओं से युक्त यह गुरुद्वारा अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ हजारों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ संगत कीर्तन का आनंद लेते हैं। जानते हैं राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे के इतिहास और यहाँ के बारे में। सिख एजुकेशन बोर्ड के महासचिव और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य बलदेव सिंह जी से हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। बलदेव सिंह जी से, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो सिख परिवार कुछ जयपुर में आए, तो हमें ये जगह दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ हम एक बड़ा गुरुद्वारा बनाया हमने और एजुकेशन बोर्ड के लिए हमने स्कूल, दो स्कूल बनाए और आज हमारे 4 स्कूल और एक कॉलेज, पीजी कॉलेज चल रहा है, जिनके चेयरमैन है सरदार अजय पाल सिंह जी। और वो बड़े ही मतलब एक दयालु आदमी हैं और उन्होंने इस गुरुद्वारे का और चारों स्कूलों और कॉलेज का बहुत अच्छा ख्याल रखते हुए और समाज को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की है ना व्यवस्था की। और वही हमारे आज जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो आज जयपुर शहर में 33 गुरुद्वारे हो गए हैं और हम सभी सेवा भाव से काम करते हैं, अपनी कृत करते हैं और सेवा भाव से काम करते हैं और सभी वर्गों के लिए ये गुरुद्वारा खुला है और यहाँ लंगर सुचारू रूप से चलता रहता है। हर वर्ग को हम लंगर खिलाते हैं। रीट की परीक्षा भी है, उसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। जहाँ सेंटर आए हैं वहाँ तक जाके हम लंगर पहुँचाएंगे गुरुद्वारे की तरफ से। और अगर यहाँ पे लंगर की बात की जाए तो एक दिन में तकरीबन कितने लोग लंगर खाते हैं यहाँ पे? करीब करीब संगत के ऊपर है, जब बड़ा पर्व आता है तो 10,000-12,000 के करीब है ना लोग होते हैं। वैसे रूटीन में 2-2,500 लोग है ना लंगर है ना चखते ही रहते हैं और बाहर से और अपने यहाँ जयपुर शहर से सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कोई भी सेवा दे सकता है और सेवा कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। हर वर्ग का आदमी, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कुछ भी नहीं, सभी वर्गों के लोग एक ही पंगत में है ना बैठ के खाना खा सकते हैं और हमारे यहाँ भेदभाव है ही नहीं बिल्कुल। और सभी है ना दिल से ही, आप देखिए, आप अभी भी देखेंगे कि अदर कास्ट, सिखों से भी अदर कास्ट है ना बहुत अच्छे भाव से सेवा कर रहे हैं और सेवा देते भी हैं। आप है ना लंगर के रूप में रसद भी देके जाते हैं, हर तरह का है ना सहयोग करते हैं हमें। जी, आपका हमारे को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंगर की व्यवस्था कितनी अच्छी है और यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के लिए एक अलग ऊपर बैठने की व्यवस्था की गई है। आइए बात करते हैं देवेंद्र सिंह शंटी जी से और जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ की किचन, रसोई, जो लंगर बनता है उसके बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी में कहा गया है कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। उसी संदर्भ में यहाँ हर शनिवार को गुरुद्वारा राजा प्रबंधक कमेटी व हमारे सभी युवा वर्ग के लोग यहाँ पर लंगर करते हैं और इस बार तो इसको और भी अच्छे स्वरूप में ये काम किया गया है, क्योंकि रीट की परीक्षा है और यहाँ मैं समझता हूँ राजस्थान सारे में लाखों लोग परीक्षाएं दे रहे हैं और कोई यूपी से आए हैं। अभी हम उनसे मिल के आए हैं ऊपर, यहाँ पे रूम्स भी दिए गए हैं, गर्ल्स की अलग से व्यवस्था की गई है और बॉयज़ की अलग से। और यहाँ पर सैकड़ों आदमी यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा साहब में रुके हुए हैं जो रात को यहाँ स्टे करेंगे और उसी संदर्भ में लंगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बांटा जा रहा है। और हम समझते हैं कि सिख ही धर्म का एक ही सिद्धांत होता है सेवा, और कहीं भी ऐसी चाहे किसी भी प्रकार के किसी तरीके के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी यहाँ जिनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है और वही लोग यहाँ पर आके लंगर छक रहे हैं। ये हमारे दिल को सबसे बड़ी तसल्ली वाला काम होता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके यहाँ लंगर छके और खुद भी सेवा कई लोग कर रहे हैं। देखिए आप, सहजदारी लोग जिन्हों हिंदू मुस्लिम लोग और भी कई जगह से आए लोग वो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और खुद ही लंगर चका रहे हैं और चख रहे हैं। तो हमारा अहोभाग्य है और इस सेवा के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे हमेशा के लिए गुरु साहब के सिद्धांत पे चलने वाला एक सिख धर्म है जो आज भी सेवा के रूप में ये दिन मना रहा है। आपको हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद।